चलिए थोड़ा भूंजा हुआ चना खा लेते हैं। चलिए आज के इस ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। यही 5-6 आम आया है, उसमें से भी देखिए गिरने लगा। ये आपको हम दिखा रहे हैं नीचे, देखिए क्या कारण है पता नहीं चल रहा है, ये गिर गया आम। हमको नहीं लगता इस साल एक भी आम खा पाएंगे। मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब है तो अभी ब्लड लेने के लिए मेडिकल से आ रहा है, तो वही अब थोड़ा वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना देर करेगा। बोला बाहर ही रहिएगा, पहुंच जाएगा, देखा हुआ नहीं है घर। तो चलिए उसको रिसीव कर लेते हैं। शुगर भी टेस्ट। हाँ, शुगर। तीन काम मेरा डर लगता है, ये शुगर भी पिएगा। हाँ, सब मोने रूम मोने लॉय देखा चाहिए ना, तो की करबे। हम वही वाला दिए, वही वाला दिखते हैं। हेलो आगे यहाँ लेट होगा, खोल दीजिए वो बोला। आज फिर से पुआल काटना है क्योंकि हमने 5 दिन पहले ही काटा था, तो फिर काट देंगे, फिर 5-6 दिन चलेगा। तो चलिए पहले पुआल काट लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। पुआल काटा हुआ हो गया, अब फिर ये 4-5 दिन चलेगा। पोस्टमैन आए हुए हैं, कुछ एटीएम वगैरह क्या आया है चलिए देख लेते हैं। देखिए एटीएम आया हुआ है, पोस्टमास्टर साहब आए हैं, तो चलिए पहले रिसीव कर लेते हैं, फिर आपको आगे कुछ दिखाते हैं ब्लॉग में। धनिया पत्ता का चटनी बनाना है, तो इसमें देखिए धनिया पत्ता मिर्च वगैरह सारा कुछ हम डाल दिए हैं। तो चलिए अब ढक्कन लगाते हैं मिक्सी का और बनाते हैं चटनी। टंकी बनाना है तो उसी का भी पहले मेजरमेंट कर लेते हैं, और फिर भैया लोग आए हैं, वो लोग यहाँ पर गड्ढा खोदेंगे। टंकी के लिए काम शुरू हो चुका है और हनी यहाँ पर बैठ के देख रहा है। बारिश और हवा के कारण टीवी का सिग्नल चला गया है, तो चलिए अब उसको ठीक करते हैं। देखिए कितना है, बहुत कम हो गया है। चलिए अब छतरी घुमा के इसको ठीक कर लेते हैं। हम आ गए हैं छत पर और ये है एंटीना, इसे ठीक करना है, सिग्नल मिलाना है, और मामा जी वहाँ से बताएंगे कितना हो रहा है। तो चलिए पहले सिग्नल मिला लेते हैं। कत हलो कत आछे ठीक है पहले। चलिए हो गया, मैंने सिग्नल ठीक कर दिया, अब चलिए नीचे चलते हैं। गड्ढा खोदा जा रहा है, वहां से ओल निकला है तो इसको साफ करके रख देंगे, फिर सब्जी बनाना है इसका। रखा जा रहा है यहाँ पर, कट भी गया कुदाली से, और फिर इसको लगा भी देंगे, इसमें से जो बिंजी निकलता है छोटा छोटा उसको लगा देंगे। पापा भी झाड़ू लगा रहे हैं और इधर मम्मी सोई हुई है, तबीयत खराब है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मन कर रहा थोड़ा चना खाने के लिए। ये भूंजा हुआ चना यहाँ पर है, चलिए थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये इसमें बहुत ज्यादा छिलका है चने का, तो चलिए इस चने के छिलके को हम हटाने का आपका तरीका दिखाते हैं आपको। ढक्कन लगाइए और जोर से इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए,
लगभग लगभग आधा से ज्यादा इसका जो है छिलका हट जाएगा आपको। चलिए दिखाते हैं, देखिए कितना छिलका हट चुका है। बस इसको एक बार हवा मार दीजिए, इसमें सारा छिलका निकल जाएगा। भैया पानी पिला रहे हैं अभी, और ये शाम का ही लोग का पानी है। इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं इंड। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगा अगले ब्लॉग में।